वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर हॉट एंड सेक्सी। सो गाइज आज हमारे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जगमगा रहा है क्योंकि मैं एकदम जगमगाते रूम के अंदर आया हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट होटल और मेन रीज़न जो मैं इस बार दुबई आया था कि मुझे इस होटल में स्टे करना ही करना है क्योंकि यहाँ की पूल पार्टी पूरे दुबई की बेस्ट पूल पार्टी होती है। ऑलमोस्ट अच्छे होटल में स्टे कर चुके तो इसमें नहीं बोल यार, फिर भी मन था, मैं इसमें नहीं रुका था, बट तो अटलांटिस हो गया, जो भी हो गया, इनमें वो बात नहीं है जो इधर है, क्योंकि इधर की जो वाइब है ना वो किसी होटल में नहीं। और जो रजत की वाइब है वो आपको पता होगी। चिकनी चिकनी कुत्ते। आइए मोहतरमा। सो गाइस ये है हमारा रूम 2 दिन के लिए। ये है मेरा छोटा सा बाथरूम 2 दिन के लिए। ये है मेरा टट्टी ओ बाथटब 2 दिन के लिए। ये है मेरा सोने का जेट नहाने के लिए, सोने के शावर नहाने के लिए। ये क्या है, सोने की जेट? बोट भी सोने का है क्या? नहीं, ये मुझे ये चीज समझ नहीं आई गाइस, दुबई के 5-स्टार होटल्स में ना ये किस लिए है? या तो सुसु करने के लिए है, ये बच्चों का पॉट है, मेबी टट्टी कहां से निकलेगी यहाँ? बच्चों का पॉट बता रही है ये हमारे वहां पे भी तपाम में कपड़े धोने के लिए। ये तो समझ में आता है, देखो गाइस सोने का जेट। अब मेरी पोटी भी सोने से धुलेगी यार, कितनी रही थी दुबई के अंदर ब्रो। आ जाओ आगे हबीबी, यू आर इन दुबई। ये सब तो अलमीरा अलमीरा है, चलो छोड़ो, ये सब स्वाति का सामान है, चलो छोड़ो। ये मेरा ड्रॉइंग रूम है, पर मुझे इसकी बैक और बहुत अच्छी लग रही है, मैं शायद चुरा सकता हूँ अगर कोई डिजाइनर बना पाए। इंडिया में कोई डिजाइनर है जो देख रहा हो अगर इस तरीके की वॉल बना सकता हो तो डू कमेंट और डू लेट मी नो। शीशे पे धूल जब गई है बर्फ के मारे। ये रूम कितना सुंदर है यार, मैं कह रहा हूँ कैमरे ज्यादा सामने सुंदर लग रहा है। और ये देखो गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, हाय रजत शर्मा वेलकम टू वाइब एट 5, डाइन एट द हॉटेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। ये सब छोड़ो तो हॉटेस्ट तो हम ही है। एंड ये मेरा बार है, और ये बार में क्या करेंगे आप? ये क्या है, ये बार में क्या करोगे आप? ये क्या है, छोड़ो, 5-स्टार में कुछ कांडी चीजें भी होती गाइस। पेट अंदर करो अपना, बहुत गंदे लग रहे हो यहाँ पे गाइस। क्या मैं दोबारा से कर दूं स्वाति के ऊपर ड्रंक प्रैंक? व्हाट फ्रैपे? ओ वाओ, ये फ्रैपे कौन से मुझे देखना स्टार? ये हमारे रूम का बालकनी है। ये सोफा किसने दिया बालकनी? स्वाति मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही गाइस, एक बार बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 मैडम इधर, ये सोफा किसने दिया है? बाहर इनको गर्मी नहीं पता कितनी ज्यादा है, ये सोफे का हम करेंगे क्या? उनको नहीं पता था ना कि आप जुलाई में आओगे। वो तो सोफे अंदर कर दो यार, बचाओ अपने सोफे, कोई जरूरत नहीं इनकी भैया, इसका कोई फायदा नहीं है। शाम को तो वीडियोस बनाने के लिए ठीक है गाइस, कंटेंट शूट करेंगे यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा, तो अगर आपको कोई अच्छे से कंटेंट ऐसे रील टाइप का बताओ तो प्लीज डू लेट अस नो, वी विल मेक इट विद इन 2 डेज। उसके बाद भी अभी भी हम दुबई में, ऐसा नहीं हम घर वापस चले जाएंगे। इसके बाद एक और स्पॉट बाकी है अभी गाइस, कुछ नहीं पता अभी इसके बाद हम कब तक है दुबई में, आपको पता चलता रहेगा व्लॉग में। अगर आपने प्यार दे दिया तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो इंडिया वापस आ जाए तो हम वापस आ जाए। गाइज अभी अभी हम पूल से आए थे, पूल पार्टी करके आए, बहुत मस्त, थोड़े थोड़े से टेक्स हमने लगा दिए हैं, आपने देख लिया होगा, इतनी अमेजिंग पूल पार्टी होती है यहाँ पर, और हम एकदम शिंगशांग से लग रहे हैं। तो अभी हम जस्ट अभी पहुंचे थे और एक बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा एक गिफ्ट मिला हमारे को। मुझे तो ऐसी चीजें इतनी पसंद है कि मेरा दिल रोता है देख के, खुशी के आंसू। मैं दिखाती हूँ, लुक एट दिस, कितना प्यारा गिफ्ट है ये, कितना प्यारा, अच्छा लग रहा है। संबित दत्ता, थैंक यू सो मच, आपने रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद इतना अच्छा हमारे को स्वीट जेस्टर दिया, बहुत पसंद आया हमारे को, बहुत अच्छा लगा। एंड ये सबसे पहले तो ये देखो कितना प्यारा उन्होंने ऐसे लिख के भेजा है, बना के भेजा है। एंड दिस इज ऑल चॉकलेट गाइस, ये सब मैं खाने वाली हूँ। वैसे तो रेशर उन्होंने शैम्पेन ही भेजी है बट नॉन अल्कोहलिक, क्योंकि स्वाति अल्कोहल नहीं पीती और मैं अल्कोहल नहीं पीता, चक्कर में नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन। हाँ, ड्रंक प्रैंक आपने सुना ही होगा हमारा जो हुआ था, इसने इतना गंदा किया था मेरे साथ। सो अभी नीचे से जब हम आ रहे थे ना, उन्होंने बस इतना पूछा, हे गाइस आर यू अल्कोहलिक, तो हमने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने ये शैम्पेन भेजी है, शायद ये फ्रूट शैम्पेन है, और बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रूट्स भेजी है हेल्दी रहने के लिए। हाँ, बहुत प्यारा है कि उन्होंने इतना अच्छा। And look at this, 5. Thank you so much. मेरा favorite hotel, और वहाँ पे भी कितना अच्छा लगता है, होता है कि guys हम जैसे घूम रहे हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, लोग पहचानते हैं, अच्छा लगता है। बट हम जैसे किसी और कंट्री में आते हैं,
वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पहचानते हो, स्पेशली जब तुम्हें लगे तुम किसी प्राइम लोकेशन पे आ रहे हो, प्राइम जगह पे आ रहे हो, वहाँ पे भी तुम्हें स्टाफ इतना अच्छे से पहचानता है, तो वो उसके बाद ना और मोटिवेशन मिलती है काम करने की, यार ठीक है यार मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी चीज़ में लगे रहें कि यही सब चीज़ों का प्यार है। थैंक यू सो मच संबित दत्ता, थैंक यू संबित दत्ता, थैंक यू सो मच। और अभी हम पूल पार्टी में भी नीचे गए थे, उन्होंने तब भी बहुत अच्छे जेस्चर दिए हमारे को, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, एंड इट मीन्स अ लॉट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है गाइस कि कुछ भी हो, जो ये प्यार है ना, ये हमने कमाया है और इस प्यार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकती, बस इतना बोलूंगी ऐसे ही प्यार करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे सिर्फ आपके प्यार की वजह से। सो ये चॉकलेट में खाने का मन नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं अभी आप खा लेना, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाऊंगी। हाँ। सो स्वाति, जैसे कि मैं सोच रहा था अभी हमने सुबह से क्या देखा है कि हम अपने फेवरेट होटल में आए, हमें जैसे स्वीट जेस्टर मिला, हम पूल पार्टी में गए, ये सब दिखाया। सो मैंने सोचा कंटेंट के वाइज या कुछ अच्छा करने के चक्कर में कैसी बातें, मजा भी आएगा ऑडियंस को भी और आपको भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यू ना हम बिल्कुल न्यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते, जैसे बिल्कुल बिगिनिंग्स वाला स्टेज होता है, फ्लर्टिंग वाला, जो डेटिंग स्टार्ट होती है नया नया ना, लड़का चीजी चीजी लाइंस मारता है अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब लड़की को पटाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ओवर चीजी, यानी नॉर्मल चीजी नहीं, मैं वो तो नहीं सिखाऊंगा किसी को कि लड़की कैसे पटाते हैं बिना बात के, आधे लड़के अपनी वाली को छोड़ के दूसरी ना पटाने लगे, तो वो सब तो नहीं सिखाऊंगा, बट मैं बहुत क्यूट क्यूट फनी फनी चीजी चीजी लाइंस आप पे मारूंगा। और आपको एक काम करो, अगर ऐसा ही करना है तो आप पहले जैसे बन जाओ, पहले एग्जैक्टली वैसे बन गया। अच्छा वो वही तो बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसी वो चीजी और पिकअप लाइंस नहीं बोलूंगा, समझो ना बेटा। अब मेरे को देख, हम देख वही चीज है, कल को लड़का दूसरी लड़कियों पे अप्लाई कर दे बिना बात के, किसी के घर टूट जाएंगे। नहीं अपनी बंदी पे करो भाई, अपने अरे मैं लड़का हूँ ना, सीख मिल जाए ना लड़कों को, तो गलत जगह भी जाता है क्या। कभी भी अपनी बंदी से फ्लर्ट मारना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग में भी कहा था कि जब तक जिंदा हूँ मैं इससे फ्लर्ट मारना नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इससे फ्लर्ट मारूंगा, ठीक है। लेकिन अब हम, अब क्या होता है, इतना टाइम हो जाता है ना फ्लर्ट मारते ना, तो ब्लश कम हंसी ज्यादा आती है, तो अब मैं अपनी बेबी से करने वाला हूँ फुल फ्लर्ट, ठीक है बीबी। अच्छा फ्लर्ट से आता है, आप भी करोगे भाई, जो मैं आपको कहूंगा आपको भी करना पड़ेगा। अगर मैं पहले जैसी होगी तो फिर तो मैं शांत हो जाऊंगी। नहीं नहीं आपको पहले जैसे नहीं ना, आपको फ्लर्टी होना है, ठीक है यार, कुछ तो या पब्लिक को कैसे इंटरटेन, पहले तो आप बोरिंग थे, अब आप देखो कितने प्यारे हो, इंटरटेनिंग हो। सो अब एक और चीज बता, हर लड़की की ना फैंटेसी होती है कि कोई सुंदर सी अप्सरा आए, रशियन हो या कोई सुंदर सुंदर लड़कियां हो, अरेबियन हो, कुछ भी हो, उसे अपने हाथों से लिटा के उसको अंगूर खिलाए, ठीक है, हाथों से ऐसे अंगूर खिलाए। और स्वाति अब मुझे, मतलब मैं बेड पे लेटूंगा, स्वाति साइड में बैठ के मुझे अपने हाथों से अंगूर खिलाएगी, स्ट्रॉबेरी खिलाएगी, सिर्फ ये थोड़ी है, मजाक चल रहा है यार, मामा एक बात, हमें भी तो मजा आ रहा है ना, हम अपने एंटरटेन हो रहे हैं, पब्लिक अपनी एंटरटेन होगी, अब यार ऐसे थोड़ी पकाऊंगा थोड़ी तुम्हें, आराम से जरा ना, ओहो ये मुझे हंसी आ रही है, प्लीज आपने बेबी फोकस करो, स्ट्रॉबेरी खिलाओ मुझे, ओहो इतनी स्वाद स्ट्रॉबेरी तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई। अगर स्वाति ने मुझे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाए हैं तो मैं स्वाति को अपने हाथों से उसकी फेवरेट चॉकलेट्स खिला देता हूँ, खाओ खाओ, पाइनएप्पल जैसा मुंह बना लेती है। अबे फ्लर्टिंग करनी है क्यों, ऐसे मुंह बना रही है, मैं फ्लर्टिंग नहीं कर पाऊंगा अगर ऐसे मुंह बनाएगी तो। अच्छी अच्छी नहीं है, बहुत टेस्टी यार, बिल्कुल स्वाति जैसी है, कड़वी ग्राफ गोल्ड बिस्किट, गोल्ड का बिस्किट खाएगा इधर आज आकर, आकर छोटी सी बाइट मारियो, खराब करना था रोड से, नहीं खराब नहीं करनी, मैं को राजू चावल खाने दो भी पहले, क्या कर रहे हो, पानी पी रही हूँ, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा मेरे बापू को, आ करो चुरा मुंह लगा लो, मुंह लगाओ हंसो मत, आपकी नाक पानी की बोतल में आ जाएगी, क्या यार इस लड़की से क्या फ्लर्ट मारो यार, इसे तो झेला नहीं जाता, कोई इज्जत नहीं करती है, मेरे कपड़े,
तेरे कपड़े पे क्या गया है? ये पूरा फ्लोर गंदा कर दिया तूने। चलो ठीक है पानी पी ले थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप तो फिर गिर गई। अरे भाई क्या बोल आपके पास, सच बताऊ मैं कभी भी पानी है ना किसी ऐसे लाविंग से मोमेंट में नहीं पी सकती, मेरे मुंह से पानी निकलता निकलता है। और मैं सच बता रही हूँ, इस बार काउंटलेस टाइम्स मैंने आज तक रजत के ऊपर पानी गिरा हंसते हंसते, मैं हमेशा पानी गिर देती हूँ और उसको समझ नहीं आती ये चीजें। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया, मैं बता क्या फर्क पड़ गया। पानी तो गिरा मेरे पे, क्या हो गया? मैं मुंह तो उल्टी भी गिर दे बेबी, मेरे को तब भी दिक्कत नहीं, तुम खुश रह लीजिए। पूजा मार दो। और क्या, तेरा फ्लायर आया था, मुझे साफ करना पड़ता है। मेरे कपड़े भी गीले हो गए। भूल गई? हाँ। जिम कॉर्बेट की वो उल्टियाँ उल्टी कर दी थी इसने और उल्टी में ही गिर गई। सबसे फनी पार्ट तो होता है उल्टी कर गई फिर उसी में जाके गिर गई और फिर वो मैंने साफ करे से साफ करा। देखो सो गाइस, अब जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ है कि जैसे मैं स्टार्टिंग में स्वाति को इम्प्रेस करता था, फ्लर्ट मारता था, थोड़ा बहुत उस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है। तो पहले वाला रजत स्वाति को दिन रात कैफेज डेट्स पे भी लेके जाया करता था। स्वाति को मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस करा है कि दोबारा हम एक और पार्टी करने, मतलब कैफे में जा रहे हैं रिलैक्स करने। इसका मन था कि बस आराम से इसने ना यहीं पर राजमा चावल गर्म कर लिया रेडी टू ईट वाले। मैं कहा नहीं, आप मेरी प्रिंसेस हो, आप अभी दिन में भी मेरे साथ पार्टी में थे, आप अभी रात को भी मेरे साथ पार्टी में जाओगे। आप कैफे में जाते थे, लग गई पैर पे, लग गई ये ब्लॉग नहीं बना पा रहे, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे नहीं करो, मैं नहीं लगी सच्ची में, लग गई नहीं लगी, नहीं लगी, हाँ नहीं लगी, बस तू खुश रह। आई भाई जोर जोर का शीशा तो ये बोर्ड नहीं है टेबल, अरे वहीं रगड़ रही है घिसड़ लगी बेबी, रुक जाओ जान से क्या करो ना, चल रीटेक ले, दो मिनट रुक जाओ तो ये बता, ब्लॉग भी ऑन कर रखा है। हाँ दो चीज मच रही है। सो गाइस, देख लो चोटे भी लगती है, अरे मेरे पैर मत छू बेटा, मुझे पाप चढ़ जाएगी इसलिए और चोटे लगेगी मुझे। देख लो अंगूर सी बैठी हुई है, ओ सॉरी मुझे तो फ्लर्ट करना था। और झिंगूर खड़ी हो बोलो फ्लर्ट, फ्लर्ट मार के उठाओ। ए हुसन की मलिका, ए अप्सरा, ए आसमान से गिरी परी, खड़ी हो जाइए। तो स्वाति अब हम दोबारा से जा रहे हैं, रात के क्या टाइम हो रहा है वो चुके यहाँ पे, इतना लेट लेके जा रहे हो, पता है मेरी मम्मी मना करती है इतना रात रात को लेट जाने को कहीं पे भी। 11:30 ओ हेलो, आज तक तो बड़ा मम्मी के साथ घूमी है, आज तक ही मेरे साथ ही घूमी है, आगे भी तो मेरे साथ ही घूमेगी। और इधर आशीषे में देख के बोल रहा हूँ, और ये मेरा प्रॉमिस है इसको, ये शादी से पहले भी अगर आते हो 11-12 बजे मेरे साथ टेंशन फ्री घूम रहे हैं, तो शादी के बाद में वैसा पति नहीं बनने वाला कि बस अब तो शादी हो गई घर बैठ ये वो, अब कहाँ जाना है, घर ही बैठ, घर ही आ जाएगा खाना, जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जितनी डेट पे आज जाते हैं उससे डबल डेट पे जाएंगे, और ये सब लोग उस चीज के गवाह हैं, हमारी इंस्टा स्टोरी तब भी देखेंगे, क्योंकि तू तो बाहर जाएगी नहीं बिना डाले। सो नेवर गोना गेट एंड, ओके, जितना टाइम हमें साथ होता जाएगा उतना हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। काम वाली तो नहीं हटवाओगे? काम वाली को उठवाऊंगा यार हाथों की, जब मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के हाथ में एक्चुअली क्या, मेरी मॉम के ना हैंड में इंजरी है तो उनको काम करना मना है, ऊपर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई तो हमारे घर में हर चीज़ के लिए मेड है, खाना बनाने वाली कुक आती है और झाड़ू पोछा डस्टिंग के लिए भी मेड आती है। ये जब तो मैं अपनी मम्मी को कंफर्ट करने के लिए वैसे भी रहती यार हद होगी, मतलब ऐसा कोई वो भुखमरी थोड़ी आ जाएगी मेरे पास कि मतलब अपनी माँ के कंफर्ट का सोच सकता हूँ, मैं अपनी बीवी का भी तो सोचूंगा यार ऐसा कुछ। हाँ वो अलग बात है कि जिस दिन मेड नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल कभी भाग भी जाती है तो थोड़े दिनों का गैप आता है तो हम दोनों मिलके कर लेंगे, बट मैं तुझे कभी अकेले काम नहीं करने दूंगा, आई प्रॉमिस। फ्लर्ट करना था, आप तो मुझे मैरी मी के लिए कर रहे हो। मैरी मी का दूंगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। बाबू रेडी हो जाओ, कौन सी ड्रेस पहन रहे हो पहले बताओ, आपकी ड्रेस में पहन बाबू इतने कपड़े, एक बात बताऊं गाइस, इसमें मेरे फालतू पे इतने कपड़े ले आए, मेरे आधे कपड़े तो वेस्ट ही हो गए और मेरे कपड़े सब खत्म, मैंने सब वीडियो बना। आप वही सुबह वाली ड्रेस पहन लो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आपने सुबह ड्रेस पहनी तो पहनी थी अभी, तो क्या हो गया बाबू, आज का दिन खत्म थोड़ी हो गया कि डेट पे तो जा रहे हैं पास में, चलो बढ़िया से कैफे लेके जाऊंगा, जाओ सुबह पहनी थी, कोई बात नहीं, आपको लिपस्टिक वाला शीशा पसंद है ना, आपको पिलाऊंगा, चलो चलो ओके सुबह वाली ड्रेस पहन लो जल्दी से मेरी, तो क्या हो गया बाबू हद हो गई। देखो मेकअप भी कौन कर रहा है,
आपको जरूरत है क्या मेकअप करने की, पहले ये बताओ। यार मैं बाकी लड़कियों जैसी सुंदर नहीं हूँ ना। अरे मेरी जान, वो गाना चल रहा है ना आजकल, सजने सवरने की जरूरत है क्या तेरी, सादगी पे जाने जाना मेरा दिल है फिदा, ऐसा है ना। ऐसे ही रखना, फ्लैश में दिख रहा अच्छे से। ओहो मुझे तो बेटा 4 साल पहले ही दिख गया था क्या मेरा फ्यूचर इसी लड़की के साथ है, समझ गई। आप ये टैप टैप नहीं करते थे तब पसंद कराते, टैप टैप करके कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ वैसे सच में उस टाइम टैप टैप करती भी नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी ना आपको, आज है पता नहीं क्यों करते हो। नहीं तब तो थी यार मेरे लिए, आप आज भी उतनी सुंदर हो, तब भी उतनी सुंदर थी, कल को भी उतनी सुंदर होगी। आप 60 साल की बुढ़ी हो जाओगे ना, चिड़चिड़ी सी रिंकल्स आ जाएंगे आपके मुंह पे। आप आज जितनी मेरे लिए सुंदर हो तब भी आप मेरे लिए उतनी सुंदर होगी, क्योंकि तुम हो यार स्वाति। ओ माय गॉड, शिद्दत मूवी का डायलॉग है, थोड़ा सा मैंने ट्विनिंग कर दी बस। डायलॉग उसके, फीलिंग्स आपकी है ना। फीलिंग तो मेरी है, वो तो एक्टिंग कर रहा था, मैं तो दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू, लव यू, लव यू टू। आप ब्यूटीफुल हो बहुत, पता है मुझे आपके प्यार से तो ब्यूटीफुल बन रही हूँ। ये तो ज्यादा हो गया बेटा, ऐसा लग रहा है पॉपकॉर्न में 5 टॉपिंग बटर की लगा के चोप दियो मुंह पे। बाबू और कितनी देर लगेगी? बस और 5 मिनट, मैं पूरी रेडी हूँ। ओके और मैं पर्स नहीं ले जा रही। तो पर्स का करना क्या तुम्हें भाई? यार बट इन केस कुछ ना कुछ सामान रखना होता है। क्या रखना है? लिपस्टिक? हाँ मेरी पॉकेट किस दिन काम आएगी, मेरी पॉकेट में डाल देना। स्माइल क्यों आई है फेस पे इतनी अच्छी? ओहो, एक तो ये ब्यूटीफुल सी कार और ये मेरी ब्यूटीफुल सी बंदी। सो गाइस गुड मॉर्निंग, पहले तो मैं लाइट बढ़ा दूँ यहाँ पे। सो सुबह हो चुकी है, स्वाति रात को छोटी सी बात पे नाराज होकर सो गई है। सो मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं, मतलब अगर आप इस चीज़ को ब्लॉग में देख पा रहे हो तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि हमारा बहुत प्राइवेट मोमेंट है कि स्वाति जब हम जैसे बाहर आते हैं तो स्वाति ना बिल्कुल बच्चे की तरह रहती है, तो उसको किस तरीके से उठाना पड़ता है मैं आपको वो देखा, और कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन ऐसा ही रोज़ होता है, शायद इससे ज़्यादा ही होता होगा, बट आप समझ जाना उसका कैसा बच्चों वाला नेचर है। उससे मैं सोई थी रात को, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, कहते हैं ना वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है, उससे मोहब्बत एक तरफ। अब दिखाता हूँ कैसे उठाना पड़ता है मैडम जी। स्वाति स्वाति उठो, अच्छा आ जा आ जा आ जा मैं बेटा, उठना नहीं है, उठना नहीं है। क्या हुआ मेरे बच्चा? लव यू, सोई सोई आ रही है, पोटी नहीं आ रही, है मेरे बेटा। गाइस मैं नहीं इसे उठाने वाला, भाड़े में क्या उठाने का तरीका से सुन। प्यारी लगती है, प्यारा था ना मैं, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है, उससे मोहब्बत एक तरफ। आय हाय, ये सही है, सुबह उठते ही मैडम को किसियाँ चाहिए, सोते समय किसियाँ चाहिए, और जब होश में होगी तो पूरा दिन इसने मुझसे कलेश कर रहा है। ये क्या चीज़ है स्वाति, ये तो गलत बात है। आज मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला, मतलब जो तेरी साइड थी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, अब तो डालेगी कि नहीं डालेगी वो बात की बात। नहीं नहीं बट क्यूट है, कुछ गलत थोड़ी था, प्यारे लगते हो आप, ये देखो बहमारी सी। गाइज मेरी बहमारी बहुत क्यूट है, सोती उठती हर वक्त क्यूट लगती है मेरे को, सबसे ज़्यादा प्यारी यही लगती है मेरे को, क्योंकि है ही सबसे ज़्यादा प्यारी। तो देखो गाइज 50 किस्सी का कोटा सुबह का। गाइज ये मैडम पोटी करने गई है और इसको ना अंधेरे से डर लगता है, अब देखो
मैंने क्या किया? लाइट जलाओ। मैंने थोड़ी कुछ करा है, तो रूम की लाइट गई है। लाइट जला दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे मैंने बंद करी हो तो जलाओ ना, दबा तो रहा हूँ बटन, चली नहीं रही। ठीक है अब गाइस, मैं अच्छे से नहाने गया हुआ था, मैं अच्छे से क्या मतलब नहाने गया हुआ था, तो मैडम जी ने पीछे से मेरे लिए खाना ऑर्डर करा है और खुद ही जाके नीचे से लेके आ गई। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। दुबई की टेंशन है ना अपनी बीवी को, कहीं भी जाना भी घूमे फिरे टेंशन फिरे, सेफ्टी की सेफ्टी। और दूसरी बात, देखते उसने क्या खाने के लिए मंगवाया मेरे लिए। गेस करो व्हाट। मेरे लिए मंगवाया तो कुछ इंडियन मंगवाया होगा खाना पक्का। कुछ इंडियन मंगवाया होगा तूने, नान नून टाइप है। लेट्स सी, अमृतसर है तो देख के आपने समझ ही लिया। यही आ जाओ, यही खा लेते हैं। नीचे क्यों बैठ गई थी? मैं सोच रही थी आप सोफे पे आराम से बैठ। हाँ, मैंने इतनी जगह बनाई है, किसके लिए बनाई थी? चलो गाइस, ये फ्लर्टिंग वाला सिस्टम तो कल से चल रहा है। चल बैठ। ये अगर इसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया तो मैं पक्का मर जाऊंगी। नहीं मरेगी तू, जब तक मैं जिंदा तू नहीं मरेगी। क्या कर रहे हो बेबी? क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे यार भूल गए क्या? मैं आपको स्टार्टिंग मात्र से खिलाता था। देखो बाइट भी इतनी छोटी सी ली है, अपनी सोच जितनी मतलब दिमाग जितनी। प्याज का टेस्ट आया। ऐसे कैसे आ गया? ये खोला आपने तो। यार प्याज के बिना तो खाना ही नहीं अच्छा लगता यार, पता नहीं कैसी लड़की है। ऑनियन नहीं खाती, पनीर की सब्जी में पनीर नहीं खाती। कोई इज्जत नहीं गाइस, कितना मर्जी फ्लर्ट कर लो, चार पांच साल के बाद कोई फ्लर्ट इंक्लूड कुछ खाओ नहीं आती। नहीं, मैं आई हेट रॉ ऑनियन, आई हेट इट। चलो स्टार्ट करो। सो गाइस, हम टॉप कमेंटर्स के नाम लेने वाले हैं। मैं पहले ही बोल देती हूं, देख रहे हो गाइस, एक मिनट, फ्लर्टिंग की बात हो ही रही थी मुनी चक्कर। ये जो गंजा बना ना गाइस, देखते मैं यहां मांग भर दूंगा इसकी। गाइस अरे यार मत हिलाओ, बस पीछे हो जाओ, मत हिलाओ। हो अरे यार भाई साहब ऐसे मत बोल, हमारे इतने वृद्ध नहीं है कि हम बोले कि हम डबल मीनिंग बातें कर करके गंदी चीजें डाले। छोड़ो चलो गाइस, नहीं मैं फोन हिलाने की बात कर रही थी, गलत नहीं बोल रही थी, फिर वही बात। एनीवेज सो गाइस, आज के टॉप कमेंटर्स निकालने बहुत मुश्किल थे, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। पहली बोल देती हूँ थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और रजत भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है आपके प्यार। हाँ नाम लो। गुटका थूक के तो बोलो, बलगम घेर दिया, गुटके की बात हुई थी। नहीं मैंने अभी पीछे बोला था, मैं आपको इरिटेट करूं। आप लोगों ने कितना प्यार दिया मेरे उस लैंग्वेज को, मेरे उस स्लैंग को, मेरी उस बात को, 643 लिख के, क्या 642 लिखा सालो लास्ट वाले व्लॉग में। अबे साले पेटू, तुझे कोई एक सेकंड का भाव न दे तो बहुत अच्छा लगा वो, तो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो मैं इसको ऐसी रोस्ट करती रहूं तो मैं एक रोस्टिंग व्लॉग जरूर बनाऊंगा। बनाइयो फिर, मेरे को भी अलाउ है रोस्ट करना। ये सही है, मेरे हाथ मेरे हथकड़ियों से बांध दो और अपना मुंह चलाए जाए। बिल्कुल जेन्युइन था उस टाइम में, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं गुस्से में बोल रही हूँ। गाइस मैं टॉप कमेंटर्स के नाम ले रही हूँ, मैं ये चीज बोल रही थी कि अगर आपका नाम ना आया हो रजत यार हाथ जोड़ रही तो सब्सक्राइबर्स के आगे, मेरे आगे हाथ जोड़, तुझे जिंदगी में हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़ूंगा तो मेरे आगे हाथ जोड़ दे एक बार। जो मुझे प्यार करता है ना इतना अनकंडीशनल हो गया, मैं उसी का। मैं बड़ा कंडीशनल लव करता हूँ ना तुझे। कंडीशनल कौन सा कंडीशनल है? आपकी कंडीशन मैंने अगर इन्हें बता दी ना बेचारे रो रो के खून के आंसू निकाल देंगे। मैं फुकाता ही तो मेरी डील है गाइस, मैं से फुकाऊंगा और तुझे फुक के ना शाम तक नॉर्मल हो ना, बस मैं से ये कहता हूँ और कुछ नहीं कहता। और ये जितना ऑफ कैमरा फुकाता है ना ऑन कैमरा उसका 1% भी नहीं करता, क्योंकि मैं करने नहीं देती ऑन कैमरा। अगर जैसे ही मुझे फुकाएगा वैसे तुम भी फुकाओगे यार ऑब्वियसली। ठीक है करो। क्यूट इतनी लग रही है, मैं क्या करूँ, पिंक कलर की लेवाइस की टी शर्ट, इसके पीछे भी राज है। बर्थडे पार्टी में जा रही थी जहाँ पे चॉकलेट घेर ली थी अपनी कपड़ों पे, फिर ऑन द स्पॉट लेवाइस से टी शर्ट खरीदी थी इसने कुणाल के बर्थडे पे जाने के लिए। ये बताया खाना भी नहीं आता, आइसक्रीम खाऊंगी मैक्स डी से, मैक डी की आइसक्रीम छाती में घेर के मर गई। हाँ नहीं तो अब बोलूं मैं। बोलो सो गाइस, अगर याद आ गया आइसक्रीम गिर गई थी जनकपुरी में, घूम रही थी लेफ्ट राइट क्या लू ध्यान चला गया, मैं घूम रही, लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि लड़कियां भी गंदी नजरों से देखती हैं क्या, लड़कियां मुझे ऐसे देख के जा रही है ऊपर से नीचे, मैं क्यों देख रही है, मैंने देखा तो शिट यार मेरे कपड़ों पे आइसक्रीम गिरी हुई। अब बोलते अभी मैं तो देख ही नहीं रहा था, देख लो मैं मेरा मुंह धरा है, अगर आपको दिख पा रहा हूँ सॉरी मैं श्योर नहीं हूँ,
मैं मुंह उधर देख के बैठा हूँ ऐसे करके बकवास कर रही है। उधर मुंह करो। तो गाइज अगर आपका नाम इस वाले व्लॉग में नहीं आया हो तो प्लीज़ अपने होप्स लूज मत करना, आपका नाम नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा। क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जो बेस्ट हमें लगते हैं हम कर देते हैं। तो आपका नाम नेक्स्ट व्लॉग में आ सकता है, अपने होप्स लूज मत करना और बिल्कुल बुरा मत फील करना। तो आज के जो 10 हमारे मैंने टॉप कमेंटर्स निकाले, बात तो हमने वैसे 5 की करी थी बट इतने सारे होते हैं तो निकालने पड़ते हैं। सो सबसे फर्स्ट है हमारा ये उमंग सचदेवा एंड सुहाना 1008, करिश्मा सिंह 5437, वेदिका संगोदकर, साजिया बेगम 5178, ईशा चौधरी 1312, नेहा 9786, काशवी नागपर 2709, चौधरी जानवी 3049, दिव्यांशी अरोड़ा 1203। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो बिल्कुल दिल को छू गए, इतने पसंद आया हमें, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दिल को छू गए, तो आई लव इट। आप जितना भी प्यार करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सारा टाइम आपके कमेंट्स रीड करते हैं। मेरा एक टाइम ऐसा होता था कि अगर मैं वेली हूँ ना तो मैं अपना इंस्टाग्राम चलाती थी, बट आज के टाइम में सच बता रही हूँ, मतलब मैं फोन यूज करती हूँ सबसे पहले जाके ना अपने यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके, और बस उसी से खुश होती हूँ और उसी को देखती हूँ, इसके बाद फोन बंद कर देती हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चला रही, मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो ऐसा ही प्यार देते रहो और बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कॉन्टेंट हम आपको अच्छा अच्छा ला कर, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दिखा के आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और अगर डेली व्लॉग्स रोज चाहिए हो तो प्लीज़ रोहित शर्मा को बोलो कि घर जाके वापस डेली व्लॉग्स करता रहे, व्लॉगिंग ना छोड़े, क्योंकि जिस तरीके के इसके हालात हैं ये मुझे ऑल्टरनेट पे ले आएगा फिर से। तो इसी को